ये हमारा डे 3 है। अब हम जा रहे हैं झूला घाट ना, झूला घाट। ये यहाँ से कितने किलोमीटर है? इट्स 35 किलोमीटर फ्रॉम जाजर देवल, पिथौरागढ़ जाजर देवल। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम सारे भाई बहन मिलके जा रहे हैं घूमने नेपाल, जो कि पिथौरागढ़ के काफ़ी नज़दीक है। तो हम निकलेंगे वाया झूलाघाट, और झूलाघाट की दूरी है पिथौरागढ़ से 35 किलोमीटर्स की। तो हम निकल रहे हैं सब लोग आज घूमने के लिए, तो आपको भी लेके चलते हैं एंड लेट्स एंजॉय दिस वीडियो। ब्यूटिफुल माउंटेन्स। अभी पहुँचे हैं बड़ालू की झील पे एंड ये यहाँ की झील का व्यू है। अभी हम जा रहे हैं झील के नीचे। झील के नीचे, वाओ, वेरी नाइस। क्या बोलेंगे? झील के पास। झील के पास। व्हाट्सएप फैमिली। हाय माय नेम इज छगन ब्लॉगर। हेलो टॉम बॉय, हाय करो। ये है मैम साहब, इनका काम खत्म नहीं हो रहा है, इनके बच्चों का फोन आने को पड़ा हुआ। ये लीव पे भी है। चलो चल, तेरे को कल तो बिल्कुल नहीं बोल रहे थे, ये आज पता नहीं क्या हुआ। आज खुल चुका है ये ब्लॉगर। आज चूहे जैसे नहीं बोल रहे थे। ओ मोदक। आज अन्नी को नंगा किया जाएगा। अभी अन्नी को एक्सपोज करते हैं। नाम है बड़ालू। तो बड़ा आलू। बड़ालू, और ये बड़ालू की झील है। वो चले गए हमारे बड़े भैया। आगे खड़े हैं, नाव का देख रहे ये है यहाँ के प्याज के पकोड़े। ये लो रश्मि दी। इसमें जो ये चटनी है ना, बहुत टेस्टी होती है। ये भांग की है। खा लो थोड़ा, एक एक खा लो। तो ये है भांग की चटनी। तनु कैसा है? नहीं, मैंने खा रही। और ये है दोनों
कुछ खाते हुए। क्या खा रहे हो? फ्रूटी। कितना हुआ? ये कौन सा गांव बोला? गौड़ी हाट गांव। यहाँ से 10 किलोमीटर झूलाघाट। हम जा रहे हैं झूलाघाट। जगह जगह लो जय गरुड़। यहाँ पे आपको जगह जगह पे मंदिर मिलेगा। मंदिर मिलेगा। यहाँ पे भी पास में मंदिर है। दबाना नहीं उसको। इतने दिलवाऊंगा। पसीना भी बहुत ज्यादा है। पसीना भी बहुत है यहाँ। गर्मी बहुत है। हीरो बन के आया था। पता नहीं क्या बन के आया था। तनु गर्मी लग रही है बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। यहाँ से नीचे है हमारी काली नदी। अनु काली नदी आ रही है। तो ये है हमारी काली नदी। ये नेपाल इंडिया को डिवाइड करती है। ऊपर से आती है गोरी गंगा के नाम से। यहाँ जाती है काली नदी। जाती है नेपाली पहाड़। ये पहाड़ के पार जो है नेपाल है। वो देखो इधर आओ। जूम होता है इसमें। वो उधर जूम करो। देखो मंदिर दिख रहा है। ये त्रिपुरा सुंदरी मंदिर। वो जूम दिख रहा है मंदिर। अच्छा रेड वाला त्रिपुरा सुंदरी ये तो है। वो देखो लाल वाला मंदिर ऊपर इंडिया का है। अच्छा ये इंडिया का पहाड़ है और ये वाला जो पहाड़ है नदी के पार ये पूरा नेपाल है। तो दिस इज इंडिया नेपाल बॉर्डर ना। दिस इज इंडिया नेपाल बॉर्डर। फोन में चेक करो अभी नेपाल के सिग्नल आ रहे होंगे। वेलकम टू नेपाल आते हैं। ये बहुत प्यारी लोकेशन है। इंडिया और नेपाल को जो डिवाइड करती है नदी ये वाली है काली नदी। इसको बोलते हैं काली नदी। ज़ूम नहीं होता है। ये जगह है जामिर पानी। पहुंच गए हैं झूलाघाट। टायर्ड फेसेस। डस्टबिन के अंदर डालो। ये है झूलाघाट की मार्केट। इससे आगे है नेपाल का बॉर्डर। तो अभी हम नेपाल बॉर्डर ही जा रहे हैं। मेन मार्केट झूलाघाट। ये झूलाघाट की मेन मार्केट है। इससे आगे अब हम नेपाल जा रहे हैं। नेपाल बॉर्डर छोटा ही है वैसे तो। जितने भी देखो टीका वगैरह लगा के ना ये सब नेपाली। नेपाल बड़े टीके लगते हैं।
ये यहाँ की लोकल मार्केट्स हैं झूला घाट की। नदी का फ्लो देखो एक बार तुम, ये है काली नदी। अब देखो फ्लो, और ये वाला ब्रिज है, ये है, ये है इंडिया नेपाल बॉर्डर, इंडिया नेपाल का जो ये ब्रिज दिख रहा है, ये इंडिया नेपाल का ब्रिज। काली रिवर, विच इज रेफर्ड टू एज महाकाली इन नेपाल, is a Himalayan river which originated from Pithoragarh, Uttarakhand and flows towards Nepal. It separates Nepal western border with India and this river holds much significance as Ganga does to millions across the country. जस्टिफाई नहीं होता जो आंखों से दिखता है ना, मतलब कैमरे में आप उतना नहीं दिखा सकते जितना आप आंखों के लेंस से आप देख सकते हो, इतना प्यारा लग रहा है। फ्लो बहुत तेज है काली नदी का, अच्छा ये वाला, ये लैंडस्लाइड अभी हुआ है हाल में, बहुत गहरा है ये, डिफाइन नहीं कर रहा हूं कितना गहरा है, डिफाइन नहीं है कितना गहरा है अभी तक ये। चलो आगे चलते हैं हम, पहली बार दिखाया ब्रिज दिखाया, हाँ अभी दिखाते हैं, अभी वहीं जा रहे हैं हम, आगे देखो नेपाल टेलीकॉम आगे हुआ, फोन में देखो नेपाल टेलीकॉम। ये यहाँ की लोकल मार्केट्स, ठंडियों का ना, ठंडी के लिए फेमस है मतलब, यहाँ पे कंबल वगैरह के अधिकतम अधिकतम लोग ना यहीं से करते हैं शॉपिंग, पिथौरागढ़ के इतने भी है ना, तो अरे बहुत सही है यार। सो अभी हम है झूलाघाट की मार्केट में, और ये जो जगह है ये काफ़ी पहले फेमस थी ट्रेडिंग के लिए, जिसमें इंडिया तिब्बत और नेपाल से लोग आते थे और यहाँ पे ट्रेडिंग करते थे, और यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत होता है सामान का, यहाँ पे सारा ही सामान आपको काफ़ी चीप रेट्स पे और बहुत ही सस्ते प्राइजेस पे मिल जाएगा, जैसे कि वुलन्स हो गया और भी कई सारी चीज़ें हैं जो कि आपको हाफ रेट्स पे अवेलेबल हैं। ये है नेपाल की काली नदी और ये है हमारा ब्रिज, तो बहुत मोटा है। अब यहाँ से हम एंटर कर रहे हैं नेपाल की तरफ, ये है इंडिया नेपाल का ब्रिज, ये है वेलकम टू नेपाल, देखा नहीं आगे सीखा है वेलकम टू नेपाल, अरे अब ठीक है ना, नेपाल आगमन मा हार्दिक स्वागत। ये है पानी पीने वाला होगा ना इसमें, एक एक दुकानें यहाँ भी होती है, बात ही मतलब यहाँ का जो गोल्ड है वो काफी फेमस है, नेपाल का गोल्ड यहाँ बहुत प्योर फॉर्म ऑफ गोल्ड मिलता है, हैं? अच्छा नेपाली टोपी सर बड़े वाली लेना, मेरे कुछ नहीं आ रहा, नहीं नहीं ये नहीं आ रहा, सब बैठ चुके हैं, सब बैठ चुके हैं।
ये तो मुंह में भी पसीना आ रहा है। ये नेपाली टोपी है। चलो तुम पहनाते इसको पहनाओ ना। ये देखो नेपाली, वो देखो नेपाली बच्चा आपका। देखो सही हो, ये तो सेम लग रहा है। 150 150 की है। ठीक है ठीक। हाँ ले लो, इसके लिए ले लो। क्या हो गया? रुक जाओ पापा, इसमें हल्का चली पहनती हूँ इसको। लो देख, गोर खाली को भेस नहीं रामरो ढाका टोपी सिरे मा कुकुरी भीरे को। उसे हिमांशु घुसे थे इंडिया में, वो अब जाते हुए नेपाली। ऐसा नहीं हिमांशु, अब बताओ। अब तो सकल ही दिख रही होगी। पूरा काला बन गया। चलो लफ बैग मुझे दे दे। बहुत हो रही है यहाँ पे नेपाल में, सबकी हालत बहुत खराब है। रश्मि दीदी की तो नेपाल खाके हाँ थकान हो गई हम लोग को। के बाद अब हम लोग नीचे फिर से क्रॉस कर रहे हैं बॉर्डर को। नेपाली मैगीज मिल रही है यहाँ पे। नीचे से लेना है यहाँ से? एक सेकंड ना, ये है आपकी नेपाल की टॉफीज है, चॉकलेट्स एंड ये चिप्स मैगी वगैरह। मम्मी एक फ्रूटी माली भी खरीदते हैं। कितनी प्यारी है। सभी के लिए ले लो यार, एक एक भैया सबके लिए। दो तीन चार पाँच गुलेल ले लो। हाँ गुलेल ले लो। गुलेल वो क्या होती है? पाँच ले लो। अरे रुको यार, गुलेल ले दे बोल रहे इसके लिए। 30 पीस 40 45 पीस 40। अब हम यहाँ से वापस जा रहे हैं। कैसा था? और ये हमने मैगी ली है नेपाल की। ये हमने पता नहीं क्या लिया है, ये कुछ आम पापड़ जैसा है ना, खट्टा है बहुत। भल मिर्च है, मिर्च चलते तेरे को बड़ा पता है रे। अच्छा अब हम बैठे हैं यहाँ पे मच्छी भात और चिकन खाने के लिए, बैठे लाइन से लोग। ये है तन्नु जी, थके हारे हैं। चिकन राइस कद्दू भी दे दिया लो। क्या से लाऊं? क्या से लाऊं? कद्दू मिला है बाबू, कद्दू। हां यहां भी कद्दू। बस हो गया अभी। कैसा रहा फिर टूर? ऑसम जान दे हो। अब मैंने तो लगा हाथ में यार, अगर तो जो पता ले ऐसे नहीं लगे ना ये दोनों। घूमने वाले ठंडे हो गए। बोले यहाँ पे उनकी एनर्जी तो हो गई, अलग गया दोनों को। तो यहाँ पे हमारा ट्रिप खत्म होता है नेपाल का। अभी वापस घर। अब हम वापस घर, थके हारे आधे लोग उल्टी करते हुए
आधे थक के अन्नी अब तेरे ऊपर करूंगा उल्टी मेरी गोद में बैठे ना तेरे ऊपर उल्टी करूंगा कहां बैठेगा पीछे वाला सब लोग बहुत थक चुके हैं थोड़ी बहुत हमने शॉपिंग करी है दिखा दो ये हमारी थोड़ी बहुत शॉपिंग है चलो 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 कैसे क्या लेना हेलो तब क्यों नहीं बोले फिर रश्मि दी पापा तो भाई टोपी के रहते कहां है टोपी पहनते हो हमेशा नहीं मिलेगी यार ये तो बस आपको फेमस कर देंगे हम आपकी दुकान का ठीक है क्या वीडियो बनाने रह जाओगे तुम तो फिर ठंडी हो जाएंगी ये हो ना लो खा भी लो हाँ चल स्टार्ट कर अब इधर रिएक्शन दे मजा इसने पतली बनाई है वो ममता देवी ना बहुत मोटी बनाती है अन्नी को भी दे हम लोग वापस जा रहे हैं यहाँ से मिलेंगे आप सबको नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय बाय टेक केयर